नमस्कार दोस्तों, गो ग्रीन विद ऑर्गेनिक चैनल पर मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए मैं आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाता हूं। तो यहां पर कई सारी वेराइटीज़ के फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसमें मेनली फोकस एडेनियम्स और डे लिलीज पर है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के प्लांट और वेजिटेबल्स के प्लांट्स ये सब भी लगाए गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडेनियम से। दोस्तों ये एडेनियम्स के फ्लावर हैं और एडेनियम को डेजर्ट रोज बोलते हैं। जैसे नॉर्मली रोज होता है उसी प्रकार एडेनियम्स को बोलते हैं डेजर्ट रोज, क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और वार्म और ड्राई क्लाइमेट में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। उसके बाद है, अगर फ्रेगनेंस के फ्लावर्स में बात करें तो सबसे बढ़िया ये रात रानी, जो कि नाइट ब्लूमर फ्लावर है और रात में खिलता है और काफ़ी बढ़िया इसमें फ्रेगनेंस होती है। उसके बाद ये इधर ये अंजीर का प्लांट है, फेक प्लांट, जो कि एक फ्रूट प्लांट है। फोलियज भी देखने में काफ़ी अच्छी होती हैं, बाकी इसके साथ साथ हमें इसका फ्रूट भी मिलता है पूरे समर। इधर कुछ रोजी वेराइटीज के ग्राफ्टेड एडेनियम्स। इस वेराइटी का नाम है ब्लैक रैबिट। इस एडेनियम की वेराइटी का नाम है ब्लैक रैबिट एडेनियम, जो कि पूरा ब्लैक में होता है। क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा कलर में फ्लक्चुएशन होता है। ये एक सिंगल पेटल का रेड फ्लावर। एडेनियम्स में इसका कॉडेक्स काफ़ी बढ़िया होता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इसके कॉडेक्स के लिए इसको लगाते हैं और कई सारे लोग इसको इसके ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए लगाते हैं। बाकी इधर एक मेडिसिनल प्लांट नीम का ट्री। ये एस्पर्गस, हिंदी में इसको शतावरी बोलते हैं। इधर एक अंजीर का और प्लांट, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई अंजीर में। बाकी प्लूमेरिया की एक दूसरी वेराइटी और बेला, फ्लावरिंग आने को है इसमें बेला में। ये इधर नींबू का प्लांट, इसमें नींबू लगना स्टार्ट हो गया है, इसमें एक नींबू इधर लगा हुआ है। इधर ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। आई होप इसमें फ्लावरिंग भी जल्दी ही होगी, फिर मैं शेयर करूंगा आपको। इधर ये भी कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट। और ये इधर वाटर स्पिनेच, इसको नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में करेमुआ बोलते हैं। और ये कुछ इधर एडेनियम्स की सीडलिंग्स। बाकी ये कुछ हाइब्रिड वैरायटीज की डे लिलीज लगी हुई हैं, जो कि प्रीमियम डे लिली है। और आज 18 अगस्त है और आज के समय भी एक डे लिली ब्लूम किए हुए है। ये सारे डे लिलीज हाइब्रिड डे लिलीज हैं। तो इधर कुछ और एडेनियम्स। दोस्तों ये साइकस का प्लांट है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। इसी प्रकार और इधर और साइकस के प्लांट लगे हुए हैं। ग्राउंड में लगाने पर ये साइकस के प्लांट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इधर एक येलो कलर का एडेनियम। ये एक मल्टीपेटल में ग्राफ्टेड रूसी वैरायटी का एडेनियम है, बाकी ये सिंगल पेटल्स के।
एडेनियम्स को हम एज ए बोनसाई भी लगाते हैं और फ्लावरिंग के लिए भी लगाते हैं। तो ये इसमें डबल बेनिफिट है कि एक तो ये बोनसाई की तरह दिखता है, बाकी फ्लावरिंग भी करता है, तो काफ़ी अच्छा है गार्डनिंग के लिए। एडेनियम के फ्लावर काफ़ी बढ़िया हैं इसके प्लांट्स। इधर कुछ न्यूली रिपोर्ट किए गए एडेनियम्स, बाकी ऐसे कई सारे। तो दोस्तों ये रहा हमारे गार्डन का ओवरव्यू। बाकी इधर कुछ लोटस के प्लांट लगे हुए हैं, उसमें फ्लावरिंग होगी तो फिर मैं उससे भी वीडियो कवर करूंगा। और ये कुछ गोल्डन बैरल कैक्टस, जो कि मैं इसे कैलिम्पोंग से लेकर आया था सिक्किम के पास। ये गोल्डन बैरल कैक्टस, बाकी कुछ सिंपल कैक्टस उधर, और ये लोटस का प्लांट। तो दोस्तों ये रहा हमारे गार्डन का ओवरव्यू। फिर जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग होगी फिर मैं आपको शेयर करूंगा फ्लावरिंग्स और प्लांट्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।